वरुण से मिला है। पिक्चर में चलिए उनको और फिर मिलने के चांस की आएगा कि नहीं आएगा। तुम्हारे पास बंदे हैं मीन ऊपर कर लो मैंने फिल्म पसंद आएगी। अरे यार मेहनत से बनाई है बहुत अच्छे घर ऊपर कर लो मैंने अच्छे से सुनाई है दासदेव है तो रिवर्स जर्नी है। इतना मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि देव जो है वो बाहर मरेगा नहीं पहाड़ों के दरवाजे के पहाड़ों जो है उसके खिलाफ खड़ी होगी और वो कोठी से बाहर निकलेगी और सेकेंड हाफ में आएगी और देव के खिलाफ पॉलिटिकली लड़ेगी और चांदनी जो है वो पॉलिटिकल फिक्सर है और वो हमें कहानी सुनाएगी। वो एक ऐसी लड़की है जिसको सब जानते हैं हर थोड़ी बहुत रहती है और रहनी भी चाहिए थोड़ा सा आपको माने हम क्यों फिल्में बनाते हैं ताकि लोगों को पसंद आए तो अब जब तक वो नहीं समझ में आता कि कितनी लोगों को पसंद आई कितनी नहीं आई। अब आपने तो बनाई पूरी मेहनत से और अभी तक जो लोगों ने देखी है मेरे दोस्त लोगों ने देखी है कुछ जनरल लोगों ने देखी है उनको बहुत पसंद आई है बेहद पसंद आई है। सब यही कहते हैं कि बिल्कुल उलट दिया तुमने यार ये तो बिल्कुल अलग ही कहानी है कुछ तो अब होपफुली जनता को भी ऐसे ही लगेगा और उम्मीद तो बहुत है और एक्टर्स बहुत अच्छे हैं सी ऋचा बहुत अच्छी है अदिति बहुत अच्छी है सौरभ शुक्ला कमाल है और राहुल भट्ट जो है आपको बहुत सरप्राइज करेगा साथ साथ अनुराग कश्यप है विनीत सिंह है स्पेशल अपीयरेंस में विपिन शर्मा है दीपराज राणा है अनुराग कश्यप खुद है तो बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग कमाल के एक्टरों की कास्ट है। म्यूज़िक बहुत अच्छा है आते हैं शायरी बहुत अच्छी है तो काफ़ी कुछ है फिल्म में मेरे ख्याल से जी की फिल्मों से हमेशा बहुत एक्सपेक्टेशंस रहती है और इस बार भी है और कास्ट में भी बहुत लोग दोस्त हैं उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस और बेस्ट विशेस कहना चाहूँगी और यही मतलब प्रे करूँगी कि फिल्म अच्छी हो और बहुत सक्सेसफुल हो। ओके किसकी परफॉर्मेंस के लिए आप सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है जैसे कि सारे सबके परफॉर्मेंसेस के लिए मतलब अदिति है ऋचा है विनीत है सौरभ जी हैं सबके परफॉर्मेंसेस जो है उनके लिए बिल्कुल ये काम मेरी एक फिल्म है जो एक ब्रिटिश फिल्म है वो अभी आने वाली है और इस्मत चुगताई के लाइफ पे मैंने एक फिल्म अभी ख़त्म की है वो भी रिलीज़ होने वाली है और दो और प्रोजेक्ट्स अभी मैं नेक्स्ट मंथ से शूट करने वाली हूँ एक आनंद जी की फिल्म है और एक फ्रेंच को प्रोडक्शन है वो भी बियॉन्ड द क्लाउड्स को काफ़ी अच्छा हाँ मैं खुश है आप बहुत ही खुश हूँ और माजिद सर के साथ मतलब बहुत छोटा रोल था मेरा लेकिन मैंने उनसे कभी कोई सवाल नहीं पूछा उन्होंने जब मुझे कहा कि तनिष्ठा हमें आपके साथ काम करना है मैंने कहा मैं बस सेट पे आऊँगी आप बताइए मुझे कब आना है और बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा और बहुत अच्छा लगा कि मतलब उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया इस रोल के लिए। लास्टली आपसे जानना चाहूँगा जो है सरोज खान ने जो कास्टिंग काउच के ऊपर कमेंट किया था उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे एज अ इंडस्ट्री का पार्ट आपका क्या मैं यही कहना
कहना चाहूँगी कि उन्होंने जो बात एक्चुअली कही वो ये है कि मतलब सेक्सुअल हैरेसमेंट जो है वो हर फील्ड में होता है, लेकिन शोबिज के लोगों को हमेशा मतलब फिंगर्स पॉइंट ज़्यादा किया जाता है, लेकिन क्योंकि हर जगह होता है इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ भी हो, क्योंकि ये शोबिज है, क्योंकि ये मीडिया है, क्योंकि हम लोगों को पूरा देश जो है वो फॉलो करती है, इसलिए शायद हम लोगों को वो ट्रेंड सेट करना चाहिए कि ऐसा ना हो। तो मैं यही कहूँगी कि हम लोगों को इसलिए शायद पर्सनल कॉमेंट्स या इरेस्पॉन्सिबल कॉमेंट्स नहीं कहना चाहिए, हमें स्टैंड करना चाहिए, क्योंकि अभी चेंज हो रहा है, जितनी लड़कियाँ बाहर आएंगी पोजिशंस ऑफ पावर में आएंगी उतना ये चेंज होता रहेगा, एंड वी ऑल हैव टू स्टैंड बाय दैट चेंज। बहुत जो है जब आदमी को बहुत भूख लग रही होती है तो कहते हैं ना चूहे दौड़ रहे हैं, तो चूहे दौड़ रहे हैं पेट में, और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। और पिक्चर बहुत अच्छी बनी है, जिन लोगों ने देखी है, शेखर कपूर साहब ने देखी, उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की, करण सुमन ने देखी, उन्होंने तक, तो मुझे लगता है कि सब अच्छा होगा, अगर अच्छी पिक्चर है तो सब अच्छा ही होगा। देखिए ये किरदार, हाँ ऑफ कोर्स बहुत पहले बड़े स्टार्स ने निभाया है, दिलीप कुमार का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, शाहरुख खान का भी फ़ैन हूँ, उन्होंने ये किरदार निभाया है, लेकिन देखिए जब लोग दिलीप कुमार को देखने जाते हैं या वो शाहरुख खान को देखने जाते हैं, वो राहुल भट्ट को देखने नहीं आते, उनको देव देखना है, तो मैं ये प्रॉमिस करता हूँ देव ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच। और एक्साइटेड मैं इतनी हूँ कि रात को 9:30 बजे अगर फिल्म देखने कोई आया है तो एक्साइटेड तो बहुत ज़्यादा होता है। फिल्म देखने के बाद ज़्यादा अच्छे से बता पाऊँगी कि क्या है फिल्म में। सॉरी, यही तो क्वेश्चन चल रहा है, बस क्वेश्चन मार्क कि दास देव, देव का दास, आई डोंट नो, कुछ नहीं पता, कुछ गेस नहीं कर पा रही हूँ मैं। ऋचा की मैंने ये कमेंट सुना नहीं है एग्जैक्टली, मुझे पता होता तो मैं ज़रूर कुछ कह पाती, मुझे नहीं पता लेटेस्ट। 2012 में आपकी तस्वीर भी प्रोटेस्ट। अच्छा, आई मस्ट टेल यू, अभी हम इस फिल्म के सब्जेक्ट पे बात करें, वो जस्टिस नहीं कहूँगी, बहुत लेट जो हो रहा है, बहुत लेट हो रहा है, ये मुझे लगता है कि इसमें और भी चीज़ें की जानी चाहिए, ये इंस्टेंट होना चाहिए, इतने दिन तक इस इंसान को इतना पालो संभालो, बाय। मुझे लगता है कि इस विषय पे हम लोग अलग से बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। थैंक यू सो मच। बारे में क्या कहना चाहेंगे, देवदास तो सुना था हमने, लेकिन दास देव पूरी उल्टी जर्नी है, फिर क्या कहना चाहेंगे, कितने एक्साइटेड हैं? उल्टे ही जा रहा हूँ देखने के लिए। क्या क्या मतलब कुछ बताया था फिल्म के बारे में? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और सुधीर ने ज़रूर कुछ नया किया होगा, और क्योंकि पॉलिटिक्स को लेकर के ये दासदेव फिल्म है तो मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है इसमें, और मेरी सारी बधाइयाँ सुधीर को, सुधीर की सारी टीम को, सभी एक्टरों को, और आई एम रियली एक्साइटेड एंड विशिंग ऑल द बेस्ट टू द टीम। थैंक यू। About the story, so I'm here to watch it, and obviously if I know still I would reveal that, but I'm very excited for this movie, and I'm actually a fan of all the actors in the movie, and I think this is the best opportunity for me to see everyone on screen together, and I'm really excited, and I'm hoping for the great evening together. I'm excited for everyone's performance. I'm a fan of Richa. She's a great actress, and Aditi, she's a great actress. Rahul, a great actor again. So I think everyone is amazing, and all are great actors in one movie together. That's the best part of Dasdev, I feel. And I'm happy and excited to see everyone. Actually, I won't take one name. I want to see everyone too. First of all, thank you so much for giving me so much
love for his story for. And yes, I had been getting so much appreciation for my performance in his story, and I think I was really blessed and really glad. This was my debut in Bollywood, just my entry, and you will see more and more. Abhi to ye sirf starting hai, and I'm really happy, and bahut sara pyar mila mujhe mere ko actually, and for my Punjabi movies also, and this is from Bollywood also. And for me the best part was ke mujhe everyone have accepted me in Bollywood. That's the best part I think. And uske ilawa I have amazing another projects lined up and very excited, and aap mujhe aur dekhte rahenge screen pe. Well, I don't think so. I will comment on that. We are here for Das Dev today. So, aap Das Dev pe jitne question pooch sakte hain, mujhse pooch sakte hain. Thank you. Thank you. दुनिया जानती है और दास देव का मैंने ट्रेलर देखा हुआ है ऑलरेडी, और मैंने जो कुछ भी देखा, इनफैक्ट आई मैसेज सुधीर जी एंड राहुल के, मुझे बहुत सुपर्ब लगा. और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म. यूजुअली जब कभी आप किसी प्रीमियर पे आते हैं तो ये अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, लेकिन दास देव के बारे में वाकई आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक फिल्म. द सपोर्टिंग स्टार कास्ट इज अमेजिंग, एंड आई थिंक आई जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड ऑल द बेस्ट गाइस. सभी की परफॉर्मेंस के बारे में, मतलब ऋचा है, राहुल है, आदिति है, सौरभ है, बहुत सारे लोग हैं, सबके नाम भी मैं फिलहाल याद नहीं आ रहे, लेकिन ट्रेलर जब मैंने देखा था तो मी एंड माची वॉचिंग सम फिल्म एंड वी डिस्कस्ड हाउ ग्रेट एवरी शॉट ऑफ द फिल्म वाज लुकिंग. और सुधीर जी का जो टेक है वो तो कमाल है ही. कैसे हो सुमित? ठीक हो? नमस्कार. तो बस फैंटास्टिक है यार. अब आप लोग जा रहे थे तो मैं जाके देख लूँ, कुछ पूछना चाहोगे? हाँ हाँ, मुझे पता था. I'm glad only you noticed this, Sumit. I'm in good shape, but it's not for a very good reason. I had a slip disc 3 months back, so I've been in bed for 3 months. So uska ek fallout ye hua ke mera fat bilkul kam ho gaya. Saath hi aapki film ke baare mein hum sun rahe hain, kuch agar aap chapter शबाना जी चर्चा करें तो ही अच्छा है. मैं फिलहाल दास देव की चर्चा करूं तो बेहतर है, बट फिल्म इस साल शुरू होगी होपफुली. वैशाली साहब के पास फाइनली या पद्मावत के बाद वक्त है, तो वो मीटिंग्स चल रही हैं, और जैसे ही स्क्रिप्ट लॉक है तो जैसे ही स्क्रिप्ट परफेक्ट हो जाती है जैसा कि वो चाहते हैं, तो वील गेट इन टू प्री प्रोडक्शन. एंड उम्मीद करता हूँ कि साल के आखिर तक, अक्टूबर तक फिल्म स्टार्ट हो जाए. हाँ, ऐसा लगता है कि उन्हें काफ़ी विश्वास है मेरे कंधों पर, और ये प्रेशर बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, क्योंकि सबका यही कहना है कि भाई बंसाली साहब आपके ऊपर इतना विश्वास कर रहे हैं, कैसी फिल्म बनाओगे? अब ये तो कैसी फिल्म बनाओगे ये तो संजय गुप्ता को भी नहीं मालूम था, लेकिन ठीक ठाक बना ली थी मैंने. अब स्क्रिप्ट उन्हीं ने दी है, शोभा संत और विनीता कोयलो की स्क्रिप्ट है, तो स्क्रिप्ट अच्छी है, तो आधा काम तो वहीं हो गया है. तो सुधीर सर बहुत ही अच्छे फिल्म मेकर हैं, और हर बार वो कुछ अलग लेकर आते हैं. दास देव यानी कि रिवर्सल ऑफ देवदास, एंड द कास्ट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, विच इज़ राहुल भाट एंड आदिति, एंड ऑब्वियसली ऋचा इज़ अ वेरी वेरी फैब एक्टर. सो आई रियली लुक फॉरवर्ड टू. नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, सुधीर सर का कॉम्बिनेशन है, और ऑब्वियसली ऋचा की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और आदिति बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, तो ऑब्वियसली बहुत एक्साइटेड हूँ कि अंदर जाकर जल्दी से देखूँ. और मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है सलमा, जिन्होंने पूरी फिल्म की कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग की है. सो आई रियली लुक फॉरवर्ड टू. मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है इसलिए उन्हें सपोर्ट करने के लिए आई हूँ, एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड कि वो कैसे हर एक कैरेक्टर को कितनी खूबसूरती से सजाती है. सो आई रियली विश हर ऑल द बेस्ट, एंड आई एम श्योर दैट शी विल रॉक इट. थैंक यू. I'm very excited about the film, and thank you all very much for coming here this evening. My congratulations to the entire cast, crew, to Mr. Sudhir Mishra, and to everybody who's been involved. It's a big day for us, and I know it's a wonderful movie, and I hope you all will all enjoy it when it comes out on Friday. Please come and see it. आप इस picture को please देखिए और इसका मजा लीजिए. बहुत-बहुत धन्यवाद. मैं दलीप ताहिर हूँ. Bye bye. Hello, good evening. I've just seen the trailer of the movie and it's looking fantastic, and I'm really, really looking forward to watching the movie. I'm a huge fan of the original novel and of the story itself, and I'm sure it's going to be a great movie.
सबकी परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त कास्ट है, इतनी खतरनाक कास्ट है, सब लोग का परफॉर्मेंस देखने के लिए बहुत ही मैं एक्साइटेड हूँ. तो नेक्स्ट दिस नाउ सॉरी दिस ईयर आई थिंक बाय द एंड दिस ईयर आई जस्ट फिनिश दिस मूवी व्हिच आई गोना बी गोइंग टू द फेस्टिवल्स विद, सो इट्स गोना प्रोबब्ली रिलीज दिस ईयर एंड देयर इज अनदर वन व्हिच इज गोना बी कमिंग आउट नेक्स्ट ईयर सून. Yes, so I've already worked with him on stage, in fact. On the big screen, yeah. In fact, the first movie I did was with him, but we didn't have a scene together. But we should do something together soon, hopefully. Inshallah. Yes, two of his films will be releasing soon. We'll be releasing soon, that's right. Yes, I watched, the last one of his I watched was Ayyari and The Hungry also, which is on Amazon, which are both really good movies. You should check it out, yeah. Thank you so much. Thank you. बहुत अच्छा लगा मुझे. I'm really excited. Trailer देख के Sudhir Mishra ji की fan हूँ मैं. That's why I'm here to enjoy the movie. मैं पूरी फिल्म की परफॉर्मेंस, सारे एक्टर्स पूरी फिल्म देखने के लिए आई हूँ. I'm really excited and I love Sudhir Mishra's work. I love him as a director. कैसा लगा मेरा भारतीय नारी का? ये लुक हिट है ना, ये भारतीय नारी की लुक एकदम हिट है. काफी एक्साइटमेंट है.
Dasdev, and there are so many brilliant actors in the film, and it's Sudhir sir's film, so trailers are looking exciting and really looking forward to watch the film and see how it is. अच्छा है भाई, क्या कहना चाहूँगा, यही कहना चाहूँगा कि एक्साइटिंग है. एंड ऑब्वियसली टू वर्क विद लेजेंड लाइक गोविंदा सर इज बीन अ फैंटास्टिक जर्नी. जस्ट टू मच ऑफ लर्निंग दैट्स हैपेंड. बहुत मज़ा आया है पूरे शूट के दौरान. एंड वी कांट वेट टू रिलीज द फिल्म एंड फॉर द ऑडियंस टू वॉच इट एंड हैव अ गुड लाफ. हाँ जी, गड्डी खरीद लीजिए, गेड़ी मारने से और ज़्यादा मज़ा आता है. मज़ा आता है गेड़ी मारने में. जस्ट रिसेंटली गॉट अ कार, सो वेरी हैप्पी. द इयर्स बीन लुकिंग गुड. जिस किस को घुमा रहे हैं हमारी जो फुकरे गैंग है, तो गेड़ी और गाड़ी की अगर बात है और फुकरे की बात है, तो वो सारा ब्लेंड अच्छे से होता है. तो जो हमारे सारी फुकरे गैंग है उसमें गेड़िया जा रही है. एंड अभी सो अभी फुकरे गैंग से स्टार्ट हुई है और अब अर्जुन पटियाला गैंग में जाके गेड़िया शुरू. आई थिंक मैं बिल्कुल सही है. जितनी भी जो हार्ड से हार्ड जो पनिशमेंट है वो ऑब्वियसली मिलनी चाहिए. एंड इट्स नॉट जो मतलब जो इस तरह के हीडियस क्राइम्स होते हैं, आई थिंक इट्स जस्ट नॉट टॉलरेबल. एंड जो भी हार्ड से हार्ड सजा है वो एब्सोल्युटली होनी चाहिए. एंड हर एक के साथ जस्टिस होना चाहिए, जो आम जनता है, जो हम लोग हैं, हम सबके साथ. एंड जो भी सजा है वो हार्ड से हार्ड ऑफकोर्स होनी चाहिए फॉर सदा हीडियस क्राइम. सो देयर आर द फेमस डायरेक्टर लाइक सुधीर मिश्रा जैसे डायरेक्टर हैं. सो ऑब्वियसली स्क्रिप्ट में जान होगी और बहुत अच्छा पिक्चर होएगा, मज़ा आएगा देखने में. अदिति राव हैदरी इज देयर. सो इतने अच्छे आर्टिस्ट और आर्ट कैरेक्टर्स होते हैं, तो मूवी का सब्जेक्ट ऑब्वियसली अच्छा ही होगा, मज़ा आएगा देखने में. सो दैट्स माय पॉइंट. अदिति स्पेशली मैं अदिति राव हैदरी के परफॉर्मेंस के लिए. क्या पता, मैं ऐसी वाइब सुन रहा हूँ, कैटरीना कैफ है उनके साथ में. सो मुझे नहीं लगता इससे अच्छा कोई और कपल होगा. ये एक परफेक्ट कपल है, अगर ये दोनों करते हैं तो मज़ा आने ही वाला है. ऑब्वियसली हम लोग जो अंदर ढूंढ रहे होते हैं, इस बार वो बाहर भी मिल जाएगा. नहीं, एक्चुअली जैसे हम नेचर से होते हैं ना, वैसे ही गूगल और यूट्यूब आपको वीडियो एडवाइस करते हैं. तो मेरे को तो पढ़े लिखे सिंपल से वीडियो सामने आते हैं, मैं वही देख पा रहा हूँ. तो ये वीडियो मुझ तक पहुँचा ही नहीं. थैंक यू. नर्वस क्यों होगा, कितना एक्साइटेड? खुश हूँ और अच्छा है. फिल्म अच्छी बनी है और देखते हैं. जस्ट वेटिंग, काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे हम लोग इस फिल्म का. मुक्काबाज के पहले शूट हुई है ये फिल्म. आई एम रियली एक्साइटेड, हैप्पी फॉर द टीम और सबके लिए. मैं खुद के लिए भी बहुत खुश हूँ. अब तक जिसने देखी है, क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं अपने किरदार को लेकर? हाँ, ये एक अलग तरह का किरदार है जिसका नाम है मिलन शुक्ला, और बिल्कुल अलग है. ऐसा मैंने पहले नहीं किया था. बाकी आप देखिए और लोगों से पूछिए, वो लोग बताएं मैं मेरी तारीफ क्या करूँ. ओके, हाँ, गोल्ड आएगी 15 अगस्त को, अक्षय सर की फिल्म है. वो है इसके बाद. ग्रेट ग्रेट. अक्षय सर के साथ बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला. बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से काम करते हैं और उनके साथ एज एन एक्टर बहुत सारे सीन हैं और करने में बड़ा मज़ा आया. कभी भी ऐसा नहीं लगा कि कोई अलग तरह की फीलिंग मैं महसूस कर रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं लगा. और एक बड़ा शेड्यूल था यूके में 3 महीने का, उसके बाद पंजाब में एक बड़ा शेड्यूल था. फिल्म पूरी हो चुकी है, काफ़ी कुछ सुनने को मिल रहा है. अब इससे ज़्यादा अभी ना बताऊँ तो अच्छा है. थैंक यू. I'm really happy because this film actually was shot 2 years ago and आपको पता है कभी कभी फिल्में बहुत सारे रीजन से अटक जाती हैं. एंड सुधीर सर इज़ अ अमेजिंग फिल्म मेकर. मुझे खुद उनकी फिल्मों उनकी फिल्में देखने का एक वो बहुत
कम फिल्में बनाते हैं तो हम उनसे कहते रहते हैं कि प्लीज़ मेक मोर फिल्म मोर ऑफन सो दैट वी कैन वॉच दैम. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग दिस फॉर सुधीर सर. आई एम अ बिग फैन ऑफ दिस एंड आई नो आई वर्क्ड इन इट बट आई एम ऑल्सो आई थिंक आई एम अ बिगर फैन ऑफ सुधीर सर. सो आई वॉन्टेड टू कम आउट फॉर सुधीर सर एंड फॉर दिस अमेजिंग स्क्रिप्ट दैट इज रिटन. सो आई एम हैप्पी इट्स रिलीज. हाई Ma'am, what was your experience working in the film? Aditi ma'am, what was your experience working in the film? Bhai idhar se bhi to chal raha hai na. Ma'am, what was it like? मैम व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग इन द फिल्म? हाँ कैसा था आपका एक्सपीरियंस हमें बताइए. मैं इंटरव्यू करना चाहती हूँ. मेरा गला बैठा हुआ है बट आप मेरा भी मैं वैसे सो ही नहीं हूँ करीब आई थिंक 1 साल फिर भी मैं ऐसे दिखती हूँ देखिए. My experience was wonderful. My working on this film was wonderful. I had a blast. I think I've essayed my role as Chandramukhi really well in the film. अच्छा सो इट वॉज बेसिकली आई थिंक मैंने कभी सुधीर सर मुझे हमेशा ऐसा रोल देते हैं वेर आई कॉन्ट इमेजिन माई सेल्फ इन दैट पार्ट बट आई थिंक दैट्स द होल एक्साइटमेंट ऑफ इट. सो आई होप दैट इट हैज़ वर्कड आउट बिकॉज आई हैव टोटली गॉन विद हिज विजन एंड आई एंजॉय प्लेइंग इट. इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई इमेजिन बट आई थिंक सुधीर सर सब कुछ अपने सर पे उलट देते हैं तो मज़ा आता है. I've never worked with him. I would love to work with him. He is one of the most senior, most respected writers, directors of our country. And I think, you know, as an actor, it's a pleasure to be directed by him because I feel, and Altit, of course, this is the second film, right? Yeah. Third, second film he's worked. So I'm very jealous. I think I have, you know, he's more like a friend, father figure, mentor. I'll always be like a supporter for the films that he makes, for the stories he writes. And I'm hoping and I'm praying that he'll cast me in one of his films. In fact, Huma, it was really amazing because जब music launch हुआ था मैं हैदराबाद में थी, मैं फंसी हुई थी and Huma went very sweetly. So she's really been, actually she's a big supporter. चलो अभी picture दिखाओ, चलो अभी picture दिखाओ. One question. मैं अभी actually हैदराबाद से. One of my colleagues wants to ask what which happened today. अभी क्या आज क्या हुआ? बड़ा केक दिखाया है, कंगेट हुआ है, बाबा आपका नाम बापू के क्या हुआ है, गर्ल के साथ क्या अगर किसी गर्ल के साथ कुछ गलत हुआ है और क्रिमिनल को सजा दी गई है देन इट्स जस्टिस. बट अबाउट व्हाट यू आर आस्किंग आई ऑनेस्टली डोंट नो बिकॉज आई हैव बीन इन अ स्टूडियो द होल डे एंड आई डोंट नो व्हाट्स बीन हैपनिंग. आई हैव जस्ट गॉट अ फ्लाइट एंड कम हियर. सो प्लीज एक्चुअली हाँ आई रियली फील ऑनर्ड एक्चुअली कि सुधीर सर हैज पिक्ड मी टू प्ले somebody who is so close to him and who is so close to the entire industry. Sab Renu Saluja ke bare mein itne pyar se baat karte hain aur unke dil mein itna respect aur love hai unke liye. And I think she's had an amazing life and amazing career and till today people like talk about her with so much warmth. And this is a story which is very close to Sudhir sir's heart, so I feel very honored to have been picked by him to play this amazing person. I hope that I can do justice to it. Abhi dekhiye kab banti hai. Let's see. I'm very happy. I take that. Like it's a very big task, and I'll have to work very hard. But Sudhir sir hamesha mushkil hi dete hain. Mujhe maza aata hai actually. Jab tak koi mujhe aise na lage ki abhi main aise ulat ke gir jaungi, aur jab tak koi mujhe challenge na kare, mujhe lagta hai main kaam nahi kar rahi. So I'm very happy to work really hard and sort of really push myself. Thank you. Rest. Where is rest? I'm very happy not to take rest, but abhi main andar ja raha hu. Hello. Wohi ba
आप वही सवाल सब वापस पूछ लो जल्दी जल्दी। सर कैसा लगा ट्रेलर आपको? ट्रेलर बहुत, मूवी देखी नहीं है मैंने, मूवी का आज प्रीमियर है और आई एम वेरी एक्साइटेड। आई वॉच्ड मेनी ऑफ सुधीर्स फिल्म्स, आई ऑल्सो वॉच्ड दिस पर्टिकुलर स्टोरी थ्राइस बिफोर, थ्री टाइम्स बिफोर, एंड दिस इज गोना बी द फोर्थ टाइम। दास देव इज अ, आई एम रियली इंटरेस्टेड टू सी हाउ सुधीर हैज सेट द स्टोरी ऑफ देवदास, सो वेरी एक्साइटेड। थैंक यू। ऋचा जी क्या कहना चाहेंगे दास देव के बारे में? फाइनली फिल्म रिलीज होने वाली है, वैसे तो बहुत सारे फिल्मों पे आपने काम किया है और रिलीज भी हुई है, लेकिन ये फिल्म के लिए कितना एक्साइटेड है और कितनी नर्वसनेस है फिल्म को लेकर? मैं भी पहली बार देखने जा रही हूँ, पर मुझे पता है कि ये ऐसी फिल्म है दैट आई विल ऑलवेज बी प्राउड ऑफ। तो ऐसा क्या कॉम्प्लीमेंट मिला है जितने भी लोगों ने देखी है अब तक? बहुत अच्छी लगी उनको फिल्म, जिन्होंने भी देखी सबको अच्छी लगी फिल्म, सब ने हमें पर्सनली अप्रिशिएट किया, एंड आई होप दैट इट ट्रांसलेट्स एट द बॉक्स ऑफिस एंड द क्रिटिक्स आल्सो। राइट, इन फ्यूचर ऐसा कोई जॉनर है जिसमें अभी खुद को आप एक्सप्लोर करना चाहेंगे? आई थिंक थ्रिलर करके देखना चाहूँगी, वैसे ये कुछ रोमांस तो है ही, पॉलिटिकल थ्रिलर भी है। ओके, थैंक यू। Devdas is always a great story, and I think Sudhir Mishra will do a really interesting interpretation, and he's got a lot of really interesting actors. So good evening. And like we were all waiting for you, like come down and we start the show. And now I have to run in because I have to watch the show. Thank you for waiting for me though. And like, you have seen the previous Devdas, like yes. Which has been your favorite? I like the very first one with Dilip Kumar and Vijayanthia Mala. I thought that was beautiful. Sanjay Leela Bhansali's was obviously very opulent. Anurag Kashyap's was like an acid trip. And now let's see what Sudhir Mishra has taken it in. Given a chance, kya banna pasand karenge, Paro ya Chandramukhi? चंद्रमुखी, सब चंद्रमुखी बनना चाहते हैं। एंड हू इज योर देवदास? हू इज माय देवदास? दैट वुड बी चैलेंज, राइट? नो चॉइसेस फॉर यू? नो चॉइसेस फॉर मी? हू इज माय, यू टेल मी हू इज माय देवदास, राइट? वेल इन दिस वन इट्स राहुल बट, सो लेट्स सी व्हाट अ गुड जॉब ही इज डन, राइट? थैंक यू सो मच गाइस। सर आपके प्रभाव से, कल के प्रभाव से तो उभर ही नहीं पाए थे, आज इनका आयोजन हो गया सर। कल क्या प्रभाव था मेरा, परसों था, एक दिन का मिस्टेक हो गया। आप आए थे क्या? आप लोग सब आए थे सर? देखिए सुधीर जी तो दिल्ली से बम्बई आए थे हमारे कहने पर। काफ़ी वक्त हो गया, उनका कितना हुआ बताएंगे नहीं, लेकिन काफ़ी वक्त हो गया। तो मैं इनका, उनकी पहली फिल्म थी सजाए मौत, उसमें प्रोडक्शन असिस्टेंट था और मुझे सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती थी 1000 रुपये की, नसीरुद्दीन शाह से ज़्यादा, 1000 रुपये महीने। तो उस फिल्म से शुरुआत है मेरी, और मैंने कई बार इस दौरान माना है इस बात को। तो मैं बहुत खुश हूँ कि सुधीर की फिल्म रिलीज हो रही है, और भागते भागते हैं उनको आज विश करने के लिए आप, एंड आई रियली विश हिम वेल। काफ़ी समय से इस विषय पर फिल्में बनी, अपना अलग इन्होंने दृष्टिकोण से दिया है, आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए दृष्टिकोण जो होता है वो हमेशा डायरेक्टर का होता है, जो इनका विजन है, इनकी हर फिल्म में आपको इनका ही विजन नजर आता है। जैसे जो फिल्म हम बनाते हैं उसमें हमारा विजन है, लेकिन इनका विजन जो है, जब से मैं सदाए मौत से इनके साथ हूँ, खामोश में ये मेरे साथ थे, परिंदा में बहुत सालों से मेरे साथ हैं, तो मैं इनकी ग्रोथ देखता हूँ, उनका सिनेमा देखता हूँ, तो खुश होता हूँ कि एक दिन इनको दिल्ली में मिलके मैंने कहा था आ जाइए आप।
देखिए मैं तो यही भूल गया था कि कल था मेरा, आपने देखा ना, मैं कल टीजर रिलीज करके अगली फिल्म पे काम कर रहा था। मैं ज़्यादा ना लोगों की सराहना को सीरियसली लेता हूँ ना उनके क्रिटिसिज्म को सीरियसली लेता हूँ। मेरी वाइफ ही क्रिटिक है तो मैं ये सीरियसली नहीं लेता। अपना काम अच्छे से करिए, आप सराहना हो तो बहुत अच्छा है, ना भी हो तो भी ठीक है अगर आपने अच्छा बात तो सबसे होगी ही भाई। पर आज हम सुधीर जी की बात करेंगे कि इनकी फिल्म जो है उनको बहुत चाहता हूँ कि आप सब लोग देखें, देखने के लिए आया हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया। सुधीर मिश्रा की अगर तीनों खानों में का किसकी बायोपिक बनाना पसंद करेंगे, अगर आप फ्यूचर में अगर आप बनाना चाहें तो किन खानों के? फिर ये बोलेंगे मुझे फंसा दिए यहाँ लाके, ये देते नहीं अपने। अगर आप किन खानों की बायोपिक बनाना पसंद करेंगे? के बाद मैं कोई बायोपिक नहीं बनाने लगा भाई, चाहे खान हो चाहे को हो, बहुत हो, एक बहुत, ये बनाते बनाते जान निकल गई, हो गया। अब देख लीजिए एक बायोपिक हमने बना ली, बस हम मुन्ना भाई बनाएंगे वो, देखिए। धन्यवाद।